हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है कि वो कब आने वाला है। तो आयोग के जो चेयरमैन सीबी पालीवाल जी हैं उनसे खास बातचीत के दौरान ये पता चला है कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और साथ ही मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कनिष्ठ सहायक में 5,000 से ऊपर वैकेंसीज है। हम लोगों ने लगभग 12,000 से ऊपर लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और ये इंटरव्यू पिछले महीने के फर्स्ट वीक को ही सेकेंड वीक में ख़त्म हुए। तो 12,000 में से जो है 5,000 लोगों का रिजल्ट निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि रिजल्ट की भी एक लंबी प्रक्रिया है। एक तो जितने भी एप्लीकेशन आते हैं हम लोग कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के टाइम पर, उनको फिर से चेक करना होता है कि उनमें कोई पेपर जो है या सर्टिफिकेट कहीं गलत तो नहीं है, पूरा है। दूसरा एक चीज और भी है कि इस रिजल्ट में बेसिक क्वालिफिकेशन जैसे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर भी नंबर दिए जाने हैं, तो वो नंबर जो है सर्टिफिकेट जो मार्कशीट्स वगैरह हैं उनको देख के चढ़ाए जा रहे हैं। उसमें भी नेचुरली टाइम लगेगा कि उसमें कोई गलती ना हो। तो और फिर उसके बाद अगली प्रक्रिया जो होती है कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह पूरा देख के सही रिजल्ट निकले, क्योंकि रिजल्ट में कोई भी त्रुटि जो है नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 महीने का समय तो लगता है। तो एक तो ये प्रोसेस की बात हुई। दूसरा ये है कि जैसा कि मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि पहले जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो सभी की सभी विजिलेंस जांच के अंतर्गत आच्छादित हैं, और ये भी है। और अभी इसकी हमें विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिली है। हमने शासन से अनुरोध किया है कि विजिलेंस के लिए जो है जितनी जल्दी जांच पूरी करके और हमें अवगत करा दिया जाए, लेकिन वो अभी नहीं मिली है। और इसीलिए हम एग्जैक्ट डेट बता पाना हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम कब तक रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो मैंने अंदाज बताया है कि रिजल्ट प्रिपरेशन इटसेल्फ में ही हमें कम से कम 2 महीने लग जाता है। तो हमारा अंदाज यह है कि हम शायद इस पोजीशन में होंगे बशर्ते कि विजिलेंस क्लियरेंस मिल जाए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक शायद दे सके हम। तो इस तरह से आपने देखा कि पालीवाल जी से बातचीत के दौरान कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शायद देखिए रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये डेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि रिजल्ट का डेट कब आएगा, किस डेट में आएगा। लेकिन ये है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है रिजल्ट की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।